8 फरवरी को भोपाल में होने वाली कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सभा को ऐतिहासिक बनाने और इंदौर से 5000 कार्यकर्ताओं को लेकर जाने के उद्देश्य से मंगलवार को विधानसभा वार बैठकों का दौर शुरू हो गया है, जिसके चलते आज शहर की अलग अलग विधानसभा में हारे जीते विधायक और नेताओं ने कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की। भाजपा का गढ़ मानी जाने वाली विधानसभा 2 में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे मोहन सिंह ने बैठक आयोजित की, जिसमें प्रदेश सरकार के मंत्री जीतू पटवारी भी शामिल हुए। दरअसल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद यह पहला मौका है जब कांग्रेस नेताओं को शक्ति प्रदर्शन दिखाने का अवसर मिला है। मंत्री जीतू पटवारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा वे अधिक से अधिक संख्या में एकत्रित होकर राहुल गांधी की सभा में पहुंचे। जीतू पटवारी, कांग्रेस पार्टी की सरकार आप कार्यकर्ता परिवार भाइयों के कारण बनी है, बहनों के कारण बनी है, तो हम आपके लिए चरणों में रहकर सेवा करना चाहते हैं। जनता को जोड़ने के लिए आपको विनम्र रहना है, इसी भाव के साथ कि लोक विधानसभा का बदलाव हम लोकसभा में लेंगे। और पक्का जीतेगी इस बार लोकसभा, गारंटी है मेरी। मैं जो बोल देता हूँ हो जाता है। मेरे जवान को भगवान ने कहा है भैया एक बात और, जो जो लोग टिकट मांग रहे हैं इस बार ताकत लगा ले, क्योंकि लोकसभा इस बार कांग्रेस ही जीतने वाली है। बाद में फिर पछताओगे कि नहीं ली हमने, की गलत है। इस बार कांग्रेस की लोकसभा बनेगी, परचम लहराएगा दिल्ली, यहाँ से कांग्रेस का आदमी जाएगा, कांग्रेस का झंडा लेके जाएगा हर आदमी, और राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। ध्यान रखो इस बात का, भारत। मंत्री जीतू पटवारी ने बताया 8 फरवरी को भोपाल में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की आभार सभा है, इसलिए हम कार्यकर्ताओं से आह्वान करने निकले हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने 2 मुद्दों को लेकर पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी को हमेशा इंकरेज करने की कोशिश की, उनको सहयोगात्मक एक सकारात्मक विपक्ष की भाव से ये मुद्दे उठाते रहे कि इस देश में किसानों का भला जब तक कोई सरकार नहीं करेगी देश खुशहाल नहीं हो सकता है। ऐसे ही चाइना में 24 घंटे में 50,000 रोजगार मिलते हैं और भारत में 500 मिलते हैं। इसके लिए भारत के लिए ये देश का मुद्दा है, न कि पार्टी का मुद्दा है। मोदी जी इन पे ध्यान दो, आपकी सरकार है, पर उन्होंने एक नहीं सुनी, मजाक उड़ाया, सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की बातें कही। आज राहुल जी इन मुद्दों को लेकर जो उन्होंने कहा था 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करेंगे, मैं समझता हूं कि देश के इतिहास में इससे बड़ी कर्ज माफी की या कर्ज किसानों की सहायता की दूसरी योजना नहीं बनी। इन संदर्भ में आभार को लेकर जमुरी मैदान भोपाल में आ रहे हैं। हम सब कार्यकर्ता एकत्रित होकर लोगों को, हमारे परिवार के परिवारजनों को आह्वान करते हुए, प्रार्थना करते हुए जाने की अपील कर रहे हैं और उसी के संदर्भ में मीटिंगें चल रही हैं। बैठक में शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहन सिंगर सहित 2 नंबर विधानसभा के कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, आनंद न्यूज, इंदौर।